कहते हैं कि जब प्यार होता है तो कहकर नहीं होता। ये युवती सात समुंदर दूर से एक महीने पहले ब्रज के दर्शन करने आई अमेरिका की रहने वाली है। वह वृंदावन दर्शन करने आई थी। उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के रहने वाले महेश मोड़े से हुई और दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया और प्यार ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से शादी करने को बेताब हो गए। दोनों लोगों ने गोवर्धन के राधा कुंड स्थित राधा माधव मंदिर में ठाकुर जी के सामने मंडप के नीचे सात फेरे लिए। पंडित आचार्य ब्रजकिशोर गोस्वामी ने मंत्रोच्चारण करके विदेशी युवती और इंडियन युवक की शादी कराई। शादी में युवती के विदेशी फ्रेंड भी शामिल हुए। मेरा नाम महेश मोरे है। कहाँ के रहने वाले? मैं महाराष्ट्र का हूँ, अहमदनगर का। आज आप शादी के जोड़े में कैसे हैं, ये आपके साथ में सुंदर कन्या, इसके बारे में जरा बताएंगे सभी? ये जो कन्या है अमेरिका की है, मायामी की है। मुलाकात कैसे हुई आपसे? ये ब्रज दर्शन के लिए आई थी एक डेढ़ महीना पहले। तो उस समय मैं उनको दर्शन करने के लिए लेके गया और दर्शन करते करते उनको बहुत अच्छा लगा, हम दोनों को अच्छा लगा, हम ये विचार एक हो गया और एक दूसरे से प्रेम हो गया और हमने फैसला किया कि पूरे जीवन भर हम साथ में रह के प्रेम में रह के भगवान का भजन भक्ति कर सकते हैं, इसलिए हमने शादी। और ये शादी आपने कहाँ पर की है? ये शादी राधा कुंड में राधा माधव जी मंदिर, यहाँ हमने आज शादी की है। सुबह कौन कौन लोग आए हुए? ये यहाँ मेरे माता पिता आए हैं महाराष्ट्र से और मेरे मामा और काका आए हैं और यहाँ ब्रजवासी लोग, पंडा लोग आए और वैष्णव लोग, जो बाबा जी लोग, ये भी आए थे। इस पवित्र बंधन में बंधने के बाद आप एक दूसरे में एकजुट होकर रहेंगे? जी हाँ जी, सच्ची आस्था के साथ। जी हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना है इंग्लिश में? Yes, I'm going to be living with my husband in Radha Kund and we're going to do bhajan together and to really try to grow our seed of bhakti and help people all over the world because I love him and he loves me and we're going to share the love with everybody. आज आपने उनसे शादी की, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम खुश हैं, माता पिता भी खुश हैं, मामा काका सब परिवार खुश है, सभी हम भी बहुत खुश हैं, दोनों खुश हैं। क्या इनके भी घर वालों से आपने बात की थी? जी हाँ जी हाँ, उनके घर वाले भी खुश हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि दूर है, अभी थोड़ा जल्दी होने के कारण वो आ नहीं पाए। उनके दोस्त आए थे वृंदावन से, वो भी खुश हैं सभी।